जी टॉपिक दोबारा रिपीट कर देते हैं। आवाज आ रही है? अकेला? तो चले, यहाँ पर थे हम जी। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं, दुनिया की इकोनॉमी वो इंटरकनेक्ट रहती है, इंटरकनेक्टेड रहती है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है और उसमें ट्रेड को, लोकल इकोनॉमी को, लोकल करेंसी को फ़ायदा पहुंचता है। और जो हमारे पुअर लोग हैं, जिनकी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक बूम मिलता है, उनकी लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट होती है इंटरनेशनल लेवल तक। और ये इनक्रेज करता है फ्री ट्रेड को, जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान की ट्रेड है, तो उसमें टैक्सेस, टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटीज वो या तो बिल्कुल जीरो हैं या बहुत ही कम है, एज कंपेयर टू हमारी ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्रीज। और इसमें एक और फायदा है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनमें एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो कंपटीशन जब क्रिएट होता है तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और उनकी कॉस्ट, इस चीज़ पर भी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। और ये उन कंपनीज को मजबूर कर देता है अपनी कॉस्ट को कम करने में, जिस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उसमें पैरासीटामोल, पैनाडोल इसको आप कहते हैं, तो उस चीज़ में काफ़ी कंपटीशन क्रिएट हुआ है। और आम लोगों में जो लोकल इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी इजीली हो जाती है, कोई भी वो मल्टीनेशनल ब्रांड या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहें, परचेज करना चाहें, वो उनके पास अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाती है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इवन के अनपढ़ लोगों को भी एज ए लेबर UAE, सऊदी अरेबिया, उनमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जहाँ पर उन्होंने हार्ड वर्क किया है। और इस नतीजे में अंडर डेवलप पुअर एरियाज जो हैं वो डेवलप हुए हैं। इंफॉर्मेशन का इनफ्लो होता है, एजुकेशन का इनफ्लो होता है, तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए गरीब लोग नहीं सीख पाते, फॉरेन कंट्रीज में एब्रॉड जाकर वो उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और उनमें कुछ एक एडवांसमेंट देखने को मिलती है उनके कल्चर में, उनके रहन सहन में। कल्चर भी इंटरमिक्स होता है, वेस्टर्न कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर और अरेबिक कल्चर, ये सारा इंटरमिक्स हो चुका है, हो रहा है मजीद। अब ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स क्या है, इसमें खामियां क्या है, इससे नुकसान क्या है? इसमें इंटरनल इंस्टेबिलिटी आती है, सोवरेनिटी को थ्रेट पहुंचता है, किस वक्त, जब हमारी इकोनॉमी में, हमारी ट्रेड में एक बहुत बड़ा गैप आ जाए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस हैं और हम डेवलपिंग हैं, कि हमारी इकोनॉमी उस तरह से इम्प्रूव्ड नहीं है। तो डॉलर्स की जब बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स की डॉलर लेकर, तो डॉलर अगेन बाहर वेस्टर्न कंट्रीज को, उन्हीं के इदारों को भेज दिया जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट उस लेवल के नहीं हैं कि हम उनको एक्सपोर्ट करके उतना ही डॉलर या रिजर्व कमा पाएँ। तो इन इक्वलिटी आ जाती है इकोनॉमी में, तो उस इन इक्वलिटी को, उस ट्रेड डेफिसिट को, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हम वेस्टर्न इंस्टीट्यूट से, वर्ल्ड बैंक, IMF, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस पर अगेन लोन लेते हैं, और उस लोन लेकर दोबारा हम इम्पोर्ट करते हैं। तो मीन्स के वो जो कंडीशंस जिस पर हमने लोन लिया था, वो कंडीशंस हमारे ऊपर अप्लाई हो जाती हैं और उनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है और वो डॉलर अगेन उन्हीं के पास चला जाता है। तो क्या होता है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप आ जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अफगानिस्तान जिस तरह से एक वॉर टॉर्न कंट्री है, तो वॉर टॉर्न कंट्रीज में काफ़ी सारे लोग, सिटीजन्स जो होते हैं, वो एस्केप करते हैं शेल्टर ढूंढने के लिए। तो 30 से 35 लाख अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं एज ए रेफ्यूजीज, तो उनको हमने शेल्टर दिया है। तो इस शेल्टर के नतीजे में क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जिसमें टेररिज्म को
राइज मिला है, इसके मेंशन कर देता हूँ, राइज ऑफ टेररिज्म, के आम इनोसेंट लोगों के साथ टेररिस्ट भी बॉर्डर के अक्रॉस पहुंच जाते हैं, और ड्रग्स की सप्लाईज में राइज देखने को आया है। अफगानिस्तान में एक ड्रग्स का बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस है जो कि पेनिट्रेट कर चुका है पाकिस्तान में, काफी हद तक इस वक्त कंट्रोल हो चुका है, लेकिन ये एक हिस्ट्री में अफगानिस्तान से ही स्टार्ट हुआ था इस स्टेट की तरफ। तो इसमें थ्योरी अप्लाई होती है नियो लिबरल नियो इंपीरियलिज्म की, जिसमें अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है गरीब होता जा रहा है। क्यों? ड्यू टू द हेजेमोनिक पॉलिसीज ऑफ वेस्ट, वो एक उनका स्टेटस है, डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, तो ग्लोबलाइजेशन में जो भी डोमिनेट कर रहा होता है, एक मेजर प्लेयर होता है, उसको फायदा पहुंचता है, और जिस पर पॉलिसीज वो अप्लाई कर रहे होते हैं अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग स्टेट्स, उनके रिसोर्सेस को, उनकी सोवरेनिटी को, उनकी पॉलिसीज को नुकसान पहुंच रहा होता है। ऊपर हम एक ट्रेड डेफिसिट का टर्म हमने अभी एक्सप्लेन किया है, ये उसी चीज की एक किस्म है, इससे वही होता है। यूएस की हेजिमानिक पॉलिसीज की वजह से उनको फायदा पहुंच रहा है, और डेवलपिंग स्टेट्स मजीद तंग होती जा रही हैं, डेट स्ट्रेस में आ रही हैं, ट्रैप किया जा रहा है, कंडीशंस इनह्यूमन कंडीशंस हैं, और एट द एंड जब हम उनको रिटर्न नहीं कर पाते उनका डेट, तो हमारी डोमेस्टिक और लोकल मार्केट्स जो होते हैं वो फॉल कर जाती हैं, क्योंकि हमारा रुपया, हमारी लोकल करेंसी बिल्कुल माइनस में या जीरो में आ जाती है। तो लाइक ईरान, ईरान की करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज द ग्लोबल गेम ऑफ डोमिनेट, जो डोमिनेट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन से वही फायदा उठा रहा है, रशिया, चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये लोग। तो इसमें कंक्लूजन ये है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है डेवलपिंग से कंट्रीज में, लाइक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है कश्मीर में, सीरिया में, पैलेस्टाइन में, इकोनॉमिक इश्यूज हैं इन कंट्रीज के, टेररिज्म के इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, कि जो डोमिनेट कर रहा है इन्वायरमेंट को थ्रेट वो कर रहा है, इन्वायरमेंट को खराब पोल्यूट वो कर रहे हैं, लेकिन उससे जो इम्पैक्ट ले रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट वो ये डेवलपिंग स्टेट्स ले रही हैं। तो इस चीज को एड्रेस करके ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना, स्टेप फॉरवर्ड करना, और ग्लोबलाइजेशन में इन सारी स्टेट्स का इन करना फिर बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज जस्ट सफरिंग है। तो डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं आपके साथ, लेक्चर कंप्लीट हो गया और ये वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाती है।